अगर हम आपको ये बताएं कि 11 साल का बच्चा इंजीनियरिंग के छात्र या स्नातक कर रहे छात्रों को डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पढ़ा रहा है तो आप कहेंगे ये मजाक है। हैरान मत हो। हैदराबाद के एक स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र मोहम्मद हसन अली ने ये कमाल किया है। मैं मोहम्मद हसन अली हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मेरी उम्र 11 साल का हूँ। मेरा स्कूल का नाम इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल है। मैं ये शाम के टाइम पे ना सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा जो डिजाइनिंग क्या है। एक प्लान है सो इसको प्रोड्यूस करते हैं अपन। प्लान बनने से पहले क्या है, वो करेक्ट है कि रॉन्ग है कि इंटरनेट इज माई लर्निंग रिसोर्स। इंटरनेट से मैं ये सब सीखता हूँ। मेरे खून में टीचिंग है। कहीं बोले तो मेरे नाना, मेरे आंटीस, मेरे फादर पूरे टीचर है, इसलिए मेरे खून में टीचिंग है। तो फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगता टीच करने में? तो और तुम दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते रहते हो मतलब? या कौन से किसको? सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और एमटेक वालों को भी? एमटेक के स्टैट प्रो पढ़ाते हैं, एमटेक को ई टैप्स पढ़ाते हैं। अच्छा, उन लोगों को भी आप पढ़ाते रहते? हाँ। तो फिर आप कुछ प्रोजेक्ट पढ़ाने वाले लोगों के भी सुने थे ऐसा? वो फसाद के, वो फसाद के ना 370 लोग करके, जिन इनमें से मैं एक हूँ। पूरे इंडिया में? हाँ, पूरे इंडिया में। अली के इरादे को सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनका लक्ष्य 2020 तक करीब 1000 इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाने का है। Actually, I was watching a video on YouTube about Indians are doing odd jobs in Canada, US, Australia. So I am so surprised that after studying 16 years, how can they do odd jobs in US like this place? So I have started thinking what is that our engineers are lacking with. They are lacking with two things: technical and communication skills. So as my area of interest is design, so I started learning and teaching. I want to teach at least 100,000 engineers by the end of 2020. हालांकि वो किसी भी छात्र से पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं। He is teaching quite good. His teaching is very good and understandable, and his flow is also good. We are able to understand and learn many things. अली इस पूरे काम के पीछे अपने नेक इरादे पर बताते हैं कि मैं इस पढ़ाई के बदले कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि ये एक तरह से देश की सेवा है। इस काम में मेरे माता पिता मेरा पूरा सहयोग देते हैं। मैं ये स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मैं इंडिया के वास्ते कुछ करना चाह रहा हूँ। इंडिया टीवी डिजिटल की रिपोर्ट।